तो आंगनबाड़ी पोषाहार योजना के संबंध में अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक आंगनबाड़ी सेविकाओं के खाते में पोषाहार खरीदने के लिए यानी चावल दाल सोयाबीन वगैरह खरीदने के लिए पैसे भेजे जाते थे, उन पैसों से वो खरीदारी करके लाभार्थियों के बीच में वितरण करती थी। लेकिन अभी अभी जारी किए गए पत्र के मुताबिक इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सेविकाओं को जो है नजदीकी पीडीएस दुकान से ही उनको राशन पहुंचाया जाएगा। साथ ही वितरण कैसे करना है, क्या नोटिफिकेशन में आपको चलिए आगे मैं दिखा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं अतुल्स थॉट यूट्यूब चैनल। आंगनबाड़ी से रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, पत्र जारी हुआ है, बिहार सरकार ICDS निदेशालय बिहार समाज कल्याण विभाग ऑफिशियल पत्र है। पत्र का संख्या है 23898 जो है 7 अप्रैल 2021। अभी कुछ मिनट पहले पत्र जारी किया गया है। पत्र को जारी करने वाले हैं ICDS के डायरेक्टर और सभी जिलों के DPO के लिए पत्र को जारी किया गया है। देखिए, पत्र का विषय क्या है, तो विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश के संबंध में। यानी फोर्टिफाइड फूड जो है उसको उपलब्ध कराना है और ये आवश्यक निर्देश है। अब देखिए, पोषाहार योजना में क्या बदलाव किया गया, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पत्र में, देखिए क्या लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को पोषाहार अंतर्गत फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है, जिसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध फोर्टिफाइड चावल एवं दाल को PDS शॉप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक तैयारी की जानी है, जो निम्न प्रकार है। देखिए क्या निर्देश दिया गया है, तो परियोजना स्तर पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को निकटतम PDS शॉप से टैगिंग किया जाना है। दूसरा निर्देश है, CDPO द्वारा अपने पर्यवेक्षण में सभी लाभार्थियों की सूची में आधार संख्या एवं राशन कार्ड संख्या अंकित कर सूची तैयार करना है। नीचे आने पर देखिए, एक और निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त सूची के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी की निर्धारित आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित विपणन पदाधिकारी को मांग पत्र दिया जाना है। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त आवश्यक तैयारी दिनांक 14 अप्रैल 2021 तक अपेक्षित है, यानी एक सप्ताह के अंदर कर देना, ऐसा निर्देश विभाग का आया हुआ है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आप सभी समयावधि के अंदर सभी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देखिए, विश्वास भजन, मैं CDS का डायरेक्टर का सिग्नेचर है, 7 अप्रैल 2021 डेट है और अभी कुछ मिनट पहले पत्र जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी समझने वाली चीज़ ये है, तो यहाँ पर देखिए, अब फोर्टिफाइड फूड जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाएगा। देखिए, फोर्टिफाइड फूड में क्या है, फोर्टिफाइड चावल एवं फोर्टिफाइड दाल, वो भी PDS शॉप के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध जो है कराया जाएगा, ऐसी सूचना यहाँ पर विभाग ने पब्लिश कराई हुई है, ये ऑफिशियल लेटर है। तो यहाँ पर देखिए, अब चावल और जो दाल जो आप लोग खरीद के बांटते थे, वो शायद जो है आप PDS शॉप के माध्यम से ही आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी शायद अब आपको जो आपके अकाउंट में इसके लिए अलग से पोषाहार की राशि नहीं आएगी। और साथ ही यहाँ पर निर्देश में साफ साफ लिखा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटतम PDS शॉप जहाँ पर राशन वितरण होता है उससे भी जोड़ दिया जाएगा, वहीं से आपको राशन उपलब्ध होगा। जैसे कि किसी राशन केंद्र और PDS शॉप पर जैसे किसी लोगों को राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम होता है उतना राशन मिलता है, तो वैसे आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी लाभार्थी होंगे जिनका भी डेटा आप दीजिएगा, डेटा में क्या देना है, तो लाभार्थियों का आधार संख्या एवं राशन कार्ड संख्या अंकित कर सूची तैयार करना है और उसे देना है। तो यहाँ पर ये सारे काम दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराने के संबंध में बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। आप अन्य किसी सेविका का भी साथ आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। तो फिलहाल आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये विभाग का ऑफिशियल न्यूज़ है, ऐसा बहुत सारा न्यूज़ जारी होते रहता है, लेकिन आजकल ज़्यादा काम हो रहा है तो इसको जल्द से ही लागू किया जाएगा, सबके साथ ये लागू होगा तो आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो चलिए, अभी के लिए इतना है। इसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।